हेलो किड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस वीडियो स्टैंडर्ड 6th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1। इसकी अभी हम करेंगे एक्टिविटी 5। जस्ट एज ऑल द कलर्स हेल्प टू मेक अ रेनबो, जैसे सब कलर्स ने हेल्प की ना रेनबो बनाने में, एवरीवन कैन हेल्प टू मेक स्कूल अ बेटर प्लेस टू लर्न। तो इसी तरह हर कोई जो अपना स्कूल है उसको पढ़ने के लिए बेटर प्लेस बना सकता है ना, हेल्प कर सकते हैं ना स्कूल को अच्छी जगह बनाने के लिए। लुक एट दिस पिक्चर विद अ पार्टनर, आप अपने पार्टनर के साथ, ये जो नीचे क्लास दी हुई है इसको ध्यान से देखना है, और ग्रुप, अपने पार्टनर और ग्रुप के साथ। नेम ऑल द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर, और आपको इस पिक्चर में जो जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसका नाम लिखना है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, चेयर है, विंडो है, पेपर्स है, इसमें और बहुत कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो सब के आपको नाम लिखने हैं। थिंक टुगेदर, आपको एक साथ सोचना है। अबाउट सम वेज द स्टूडेंट इन दिस स्कूल कुड हेल्प इन द क्लासरूम, तो आपको ये जो क्लासरूम सारी बिखरी पड़ी है ना, कैसी ख़राब हो रही है, तो इसको आपको अच्छी बनाने के लिए तरीके ढूंढने हैं। अबाउट सम वेज, नेम ऑल द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर, नाम देने हैं। थिंक टुगेदर अबाउट सम वेज, आपको कुछ ऐसे तरीके ढूंढने हैं। द स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को कुड हेल्प इन द क्लासरूम, जिससे आपको कोई ऐसे तरीके ढूंढने हैं ग्रुप में या आप सब स्टूडेंट्स को सुनकर, जिससे जो क्लासरूम है आप इसको बेटर बना सकते हो, क्लासरूम को अच्छा करने में हेल्प कर सकते हो स्कूल की। तो आपको सबसे पहले पिक्चर ध्यान से देखनी है, इस पिक्चर में जितनी भी चीज़ें दी हैं उनके नाम लिख रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, ये आपको नोटबुक में करनी है एक्टिविटी। उसके बाद लिस्ट द पिक्चर टू हेल्प यू राइट 2 सेंटेंस अबाउट थिंग्स यू कैन डू टू हेल्प इन योर स्कूल। यूज़ द पिक्चर, इस पिक्चर को यूज़ करना है और इसकी टू हेल्प यू राइट, और इसकी हेल्प से आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं अबाउट थिंग्स यू, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो डू टू हेल्प इन योर स्कूल, अपनी स्कूल की हेल्प कर सकते हो। आपको दो, इस पिक्चर को देख के ऐसे 2 सेंटेंस लिखने हैं, तो आपको ये भी अपने आप करनी है। 2 सेंटेंस ऐसे लिख सकते हो, वी शुड कीप अवर क्लास क्लीन एंड वी शुड कीप अवर पेपर्स इन अवर बैग, वी शुड कीप पेपर्स इन अवर बैग, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप अपने आप लिख सकते हो। ये भी आपको एक्टिविटी अपनी नोटबुक में करनी है। शेयर योर सेंटेंस विद योर क्लासमेट, अब ये जो सेंटेंस, ये जो आपने जो किया है, जो लिखे हैं उस सेंटेंस, वो अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करने हैं। लिसन टू द आइडियाज़ ऑफ अदर क्लासमेट, दूसरे लोगों के भी आइडिया सुनने हैं, क्योंकि क्लास क्लीन करने का उनका भी अपना कोई आइडिया होगा ना। विच 3 आइडियाज़ फ्रॉम अदर क्लासमेट डिड यू थिंक वर द मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो आपने उनके आइडिया सुने सबके कि उन्होंने क्या क्या आइडिया दिया, तो यहाँ पर आपको विच 3 आइडियाज़ फ्रॉम अदर क्लासमेट, जो जो दिए जो आपको सबसे अच्छे लगे, वो आइडियाज़ आपको यहाँ पर नोट डाउन करने हैं आपकी क्लास को क्लीन करने के लिए। ओके, नाउ सी नेक्स्ट एक्टिविटी 6। इन ए ग्रुप टॉक टुगेदर अबाउट ऑल द आइडियाज़ फॉर हेल्पिंग, आपको ग्रुप में बातें कर डिस्कशन करना है, मतलब अबाउट ऑल द आइडियाज़ फॉर द हेल्पिंग दैट योर क्लासमेट रोट इन द एक्टिविटी अबव। अबाउट द आइडियाज़ फॉर हेल्पिंग दैट, आपको आपस में बात करनी है जो आपके क्लासमेट ने आपने एक्टिविटी की ना उसके बारे में ऊपर। चूज़ 5 आइडियाज़ दैट एवरी वन इन योर एग्रीज आर इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसे 5 आइडिया आपको लिखने हैं जो आपने ऊपर नोटबुक में लिखे, जो आपके फ्रेंड्स ने दिए, जिस जो आप सब ग्रुप में इंटरेस्टेड हो करने के लिए। 5 दैट एवरीवन इन योर ग्रुप एग्री आर इंटरेस्टिंग, माय ग्रुप थिंक दिस 5 आइडियाज़ आर इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपको वो 5 आइडियाज़ लिखने हैं जो आपकी क्लास में डिस्कस की है आपने, ऊपर एक दिए ना अपने आइडियाज़ सबने क्लास को क्लीन करने के, तो उसमें से जो 5 आइडियाज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग हो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, आप सबको एग्री करके लिखने हैं, एग्रीज आर इंटरेस्टिंग। नाउ सी नेक्स्ट एक्टिविटी, मैनी आइडियाज़ आर इंटरेस्टिंग बट नॉट ऑल आइडियाज़ आर ईजिली डन, आपको क्लासरूम साफ करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ दिए होंगे पर सारे आइडियाज़ तो ईजिली ऐसे नहीं हो सकते जिसको हम कर सकते हैं,
वर्क विद योर ग्रुप टू रैंक द 5 इंटरेस्टिंग आइडियाज. आपको अपने और जो 5 अच्छे उनको रैंक देना है फ्रॉम ईजीएस्ट टू मोस्ट डिफिकल्ट. मैनी आइडियाज़ आर इंटरेस्टिंग बट नॉट ऑल आइडियाज़ आर ईजीली डन. आसानी से नहीं कर सकते. वर्क विद योर ग्रुप टू रैंक द 5 इंटरेस्टिंग आइडियाज़ फ्रॉम ईजीएस्ट टू मोस्ट डिफिकल्ट. आपको रैंक देने 5 जो सबसे ईजी हो उनको और जो सबसे डिफिकल्ट हो उनको. रैंकिंग मीन टू पुट इन ऑर्डर. रैंक मीन्स ऑर्डर में रखना है कौन सा फर्स्ट नंबर पर आएगा कौन सा सेकेंड में. रैंक द ईजीएस्ट आइडिया फर्स्ट. जो सबसे फर्स्ट आइडिया हो उसको ईजी उसको फर्स्ट देना है. द नेक्स्ट ईजीएस्ट सेकेंड और जो उससे ईजी हो उसको सेकेंड देना है. और इसी तरह इसमें द मोस्ट डिफिकल्ट आइडिया जो सबसे डिफिकल्ट हो टू डू शुड बी नंबर 5 और जो सबसे मुश्किल आइडिया उसको आप नंबर 5 पे दे सकते हो. लिखा है माई ग्रुप रैंक दिस 5 इंटरेस्टिंग आइडिया बाय सोइंग ईजी दे आर टू डू लाइक दिस. यहाँ पे ईजीएस्ट लिखना है सबसे पहले फिर उससे फिर सबसे जो डिफ़िकल्ट है वो आपको यहाँ 5 नंबर में लिखना है. अभी हम इससे आगे की एक्टिविटी नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे. ओके थैंक यू.